तो भाई आप सभी का स्वागत है मटेरियल साइंस की अगली क्लास में, है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल अगली क्लास मटेरियल साइंस की अभी तक नौ क्लासें हो चुकी हैं, उसमें से एक क्लास आपको प्रोवाइड करा दी गई है, दूसरी क्लास तीसरी क्लास भगवान ने स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। जल्दी आ ठीक है, दूसरी क्लास तो ये आई गई है आपके सामने, तीसरी और आ जाएगी, ठीक है। चलो तो बात करते हैं अपन किसकी, पहले चैप्टर में अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें क्लास, ठीक है, उसमें अपन क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ चुके थे, ठीक है। और इस क्लास में जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को क्रिस्टलोग्राफी, क्या करना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है अपना वो क्या है, क्रिस्टलोग्राफी है, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफी जो है उसमें होता क्या है, अपन को एक चीज़ पता है कि कोई भी मैटर जो हो, जो हमने आपको पहली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी मैटर होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, कोई भी मैटर हो दुनिया का, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है ना। हाँ, तो जो भी एक एटम होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक जो क्या होता है, एटम होता है, ठीक, ओके, तो एक जो एटम होता है आपका, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सुनो, ठीक है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या चीजें भरी होती हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो चीजें पाई जाती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की क्लास नहीं है कि हम आपको पूरा डीपली ले जाएं उसको, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लो कि यहाँ पे समझ में आ जाए, पता चल जाए कि तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका नाभिक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या कहते हैं इसको, नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस जो नाभिक होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। कैसे की थी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गोल्ड फाइल ली थी, है ना, और उस गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल्स की क्या की थी, बमबारी की थी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, 2HE+, ठीक है, या HE+2 भी कह सकते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, HE+2, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल आपका 2HE4 होगा, ठीक है, तो ये भी आपका एक अल्फा पार्टिकल कहलाएगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम परमाणु में से जब दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो जब इन अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बमबारी की, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, अल्फा पार्टिकल किस टाइप के हैं, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है। तो सपोज करो कि ये जो आपको ये सामने रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये गोल्ड फाइल का एक एटम है, ठीक है, जो हमने गोल्ड फाइल यूज की थी उसका एक एटम है, ठीक। तो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स डाले इस पे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है, क्या हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ क्या, अधिकतर, है ना, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है। इसके बाद जो बिल्कुल थोड़े और पास से निकले, यहाँ बीच से, ठीक, ये थोड़े से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक, और कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए और उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। तो ये आपको ये सब चीजें पता होंगी, आप लोगों ने हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो भाई, अल्फा पार्टिकल मॉडल, है ना। तो इसमें क्या था, इन्होंने बताया था जो सीधे निकल गई, इससे इन्होंने बता दिया क्या कि जो एटम होता है उसका मोस्टली भाग क्या होता है, खाली होता है। कैसे, देखो अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बनता है अपना, ठीक, ये आपकी के सेल हो गई, ये आपकी एल सेल हो गई, ये आपकी एम सेल हो गई, यस, ठीक है, और भी एक और बना लो, एन सेल भी बना लो, नहीं तो एन सेल बुरा मान जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एन सेल हो गई, ठीक, तो बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस, मतलब नाभिक, ठीक है। ये यहाँ पे आपके क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पहले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये जो मॉडल दिया था, ये किसने दिया था, बोरबरी ने दिया था, किसने दिया था ये मॉडल, बोरबरी ने, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि 2N2, ठीक है, 2N2 किसी भी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी इन एन ऑर्बिट, ठीक, ऑर्बिट मतलब कोश में, कोश क्या होता है, ऑर्बिट, कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
ठीक है। तो किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n2। इसको किसका रूल कहते हैं, इसको कहते हैं बोर-बडी का रूल। ठीक, बोर-बडी ने बताया था ये चीज। ठीक, तो 2n2 जैसे आपकी पहली कक्षा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे 2 × 1 2 1 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगली में अगर देखें तो 2 × 2 2 4, तो 4 2 8, तो नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। तीसरी में देखें तो 3 3 9, 9 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। तो तीसरे में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और चौथी क्लास जो है उसमें 4 4 16 2 32, तो फोर्थ क्लास में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, फिल से अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इसमें, यहाँ पे। तो बाकी ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस तो आपका खाली रहा कि नहीं रहा, बताओ, है ना। ये जो आपका स्पेस रहा, ये स्पेस क्या रहा, खाली रहा, ये वाला स्पेस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो क्या है आपका, खाली है। ये किससे पता चला, जो अल्फा पार्टिकल आपके बिल्कुल सीधे निकल गए। ठीक है, इसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे गए और यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, तो इससे इन्होंने बताया कि बीच में सेंटर में कुछ एक ऐसा एटम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्टिकल को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वहां से पार्टिकल मूव हो जा रहे हैं। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक बिल्कुल 100 में से 1 या 1000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जैसा गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, बिल्कुल सेंटर से। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि सेंटर में 110% एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, इस अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रहा है। ठीक है, तो उस अल्फा पार्टिकल जो आप जो बीच में ये आपका जो पॉजिटिव पार्ट था, इसको इन्होंने नाम दिया था नाभिक। ठीक, क्लियर ना। तो जो एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है, तो लोग बाग जो है गलत बता देते हैं कि प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, रदरफोर्ड ने सेंटर में जो नाभिक है उसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद प्रोटॉन जो है इसकी खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज। और एक और होता है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटोन है, इसकी खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इसकी खोज की थी किसने, गोल्डस्टीन। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है ये आपका इसके अंदर पाया जाने वाला जो एक पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, वो जैसे नाभिक जो होता है, नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक बना होता है किससे, नाभिक जो है बना होता है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर कई बार एग्जाम में आपसे एक नंबर में पूछ ले कि न्यूक्लियंस क्या होता है, व्हाट आर न्यूक्लियंस, ठीक है, न्यूक्लियंस क्या होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी न्यूक्लियंस ही पूछेगा। तो न्यूक्लियंस मतलब क्या होता है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले, नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वह प्रोटॉन न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, न्यूक्लियंस बोला जाता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी मैटर जो होता है वो किसके अंदर, न्यूट्रॉन जो है, हम इलेक्ट्रॉन सोच रहे हैं, हाँ, न्यूट्रॉन जो है वो आपका क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, उदासीन होता है। इसी वजह से जो हमारा नाभिक है वो कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है नाभिक। क्यों, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन जब कोई चार्ज है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा, है ना, बस वही चीज है। तो इसीलिए आपका जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके जो चारों तरफ कौन घूमते हैं, इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके वो कैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हुई थोड़ी सी किस बात की, कि जो हमारा परमाणु होता है वो परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना, जो हमारा मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है वो क्या होता है, पहले बताया गया था, डॉल्टन ने बताया था कि परमाणु एक ऐसा इतना छोटा कण होता है किसका,
किसी भी एलिमेंट या किसी भी क्या बोलते हैं पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। फिर इस बात को जैसी कोई एक बात बोल देता है लोग उसी पे कमेंट करने लगते है ना, तो बस इनने ये बात बोल इनकी बोलने की देर थी जो डाल्टन साहब की, ठीक है, और दूसरे लोग उसी पे सर्च करने लगे, ठीक, उन्होंने कहा कैसे नहीं तोड़ सकते, हम तो तोड़ेंगे, तो उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन और सूक्ष्म कणों में तोड़ दिया। ठीक है, तो परमाणु वैसे अगर डेफिनेशन बोली जाए तो परमाणु बिल्कुल सही सी बात है कि परमाणु एक ऐसा क्या बोलते किसी भी पदार्थ का उतने छोटा से छोटा पार्टिकल है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, फिर लेकिन वो परमाणु बनता किन किन चीजों से है, वो परमाणु तीन अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर उसके अंदर और चले जाओ तो फिर पॉजिट्रॉन आ जाएगा और भी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले जो ये जो बात आई थी कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल होता है, ये डाल्टन ने बताया था, उससे पहले एक ऋषि हुए थे उन्होंने पहले ये चीज़ बता दी थी, बट उन्हें बताई लेकिन उसको लिख नहीं पाए, दो लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाए, बस बता नहीं पाए। ठीक है, हाँ, नाइन्थ क्लास की बुक में है NCERT में। ठीक है, तो ये तो ही इसकी बात, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं अपन थोड़ी सी किस पे कि जो हमारे मैटर होते हैं उनके जो भी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो भी मैटर है उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो किन से मिलके बना होता है, वो बना होता है बॉन्ड से मिलके। ठीक है, अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो आपका मैटर नहीं बनेगा। ठीक, तो बॉन्ड आप लोगों को पता होंगे कितने प्रकार के होते हैं, अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। बॉन्ड जो हैं आपके मेनली तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है पहला, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब सिलेबस में नहीं है लेकिन इनको पहचानना और जानना जरूरी है क्योंकि तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वो कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं आयनिक बंध, क्या कहते हैं इसको, हम आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा जो है कोवैलेंट, इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। और तीसरा जो है इसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और आयनिक, ये तीन प्रकार के बंध आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका आयनिक बंध होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हल्की सी जानकारी बस, और ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, फिर तो नहीं तो अगर ये पढ़ाएंगे तो दो घंटे हम यही पढ़ाते रहेंगे, ये दिक्कत वाली बात, और बहुत चार घंटे निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम घुसते चले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, तो आयनिक बंध क्या होता है, सीधी सी बात है, दो परमाणु हैं, एक धातु होगी एक अधातु होगी, धातु ने इलेक्ट्रॉन दिया, अधातु ने इलेक्ट्रॉन लिया, बात खत्म, बन गया बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमने कहा आपका Na है, Cl है, Na आपका क्या होता है, 281 सोडियम, Na कितना होता है 11, 281 क्लोरीन कितना होता है 17, 287, क्लियर, यस और नो। ठीक, ये कह रहे हैं देखो क्या होता है, कोई भी एटम हो या कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, वो क्या चाहता है, कोई भी एलिमेंट हो वो क्या चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप स्टेबल होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा है कोई जो ऐसे मजे के लिए पढ़ रहा होगा, सब स्टेबल, ठीक है, सब स्टेबल होने के लिए पढ़ते हैं कि भाई पढ़ें आराम से, उसके बाद जॉब वॉब मिल जाए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से बढ़िया चले। ठीक है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से लोग टाइम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब देखे, अरे अरे मैम की क्लास आ रही, अरे वाह, दिक्कत है ना ये, है ना, ऐसे नहीं, पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, कई लोगों को पता लाइव क्लास देखने में मजा आता, ठीक है, वो देख रहे हैं उसमें फिर गंदे गंदे कमेंट करेंगे, इससे उनके घर वालों के संस्कार का पता चलता है ना। हाँ, देखो, जब आप किसी कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, सपोज दैट कि आपका एक कॉलेज का ग्रुप किसी दूसरे कॉलेज में किसी काम के लिए गया और वहां पे जाके आपने उद्दंडता की, ठीक, तो आपके कॉलेज के संस्कार का पता चलता है कि आपका कॉलेज कैसा होगा। ठीक, जब आप अपने घर से किसी दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ जाके अपनी कारिस्तानियाँ दिखाते हैं, अपनी अपनी बहुत बहुत बड़ी विशेषताएँ दिखाते हैं जो आपके अंदर हैं, ठीक है, तो आपके घर वालों का पता चलता है कि आपके घर वाले कैसे होंगे और आपके घर में क्या आपको सिखाया जा रहा होगा।
है ना। तो ये चीजें क्या होती है, कभी इसीलिए कभी भी अगर आप लोग कहीं जा रहे हो ठीक है, तो वहां पे जाके पहले माहौल समझो कि माहौल है कैसा ठीक है, उसके बाद रिएक्ट करो। अब पढ़ने आ रहे हैं लाइव क्लास ठीक है, और कमेंट कर रहे हो ऐसे जैसे कि तुम यहाँ पे मुजरा देखने आए हो, है कि नहीं। तो ये इससे मतलब ये है कि आपके घर में ऐसे संस्कार दिए होंगे ठीक है, या आपके घर में कोई पिताजी बोलेंगे बेटा ये काम कर देना, कनपट्टा पे दे दें हम नहीं करें, ऐसे बोल देते होगे ना पापा से, है ना। या फिर क्या बोलते पढ़ने आ रहे, वो मम्मी ने बोला कि क्या बोलते बेटा थोड़ा छत पे चले जाना, वो चीज़ ले आना, अरे वाह तुम्हें कहे नौकर लगे कहते हम, ऐसे बोल देते। तो यही सिखाते होंगे ना घर में, तभी तो ऐसे कमेंट करते तुम ठीक है। घर में भाई बहन ने कुछ कह दिया, जाके सीधा सूट दिया उसे ठीक है, यही करते होगे भाई, तभी तो कमेंट करते हो ऐसे ठीक है। तो जो पहले गलत कमेंट करे पहले वो ये देख ले कि आपके घर में भी ऐसे ही होता है ठीक है ना। चलिए तो और ये भी कल या परसों की क्लास हम देख रहे थे, हाँ परसों की क्लास, तो उसमें जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है ठीक है, तो बता तो टीचर ही रहा होगा ठीक। अब कमेंट करते हैं, अब एक क्वेश्चन हिंदी में तो बता, क्यों पिताश्री से अगर तुम ठीक है, अगर पिताश्री से आप अपने कोई बात पिताश्री ने बोली और समझ में नहीं आई तो उनसे पिताश्री से भी ये ऐसे ही बोल देते होंगे, कहे बे ऐसा बोलो ज्यादा तरीके से बोल, है ना। मतलब यार थोड़ा सा तो दिमाग रखा करो, है ना, कि बिना दिमाग के पैदा हुए हो। चलो भाई तो बात करते हैं इसकी ठीक। तो सोडियम जो है या क्लोरीन जो है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या होना चाहता है, स्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब उसकी आउटर मोस्ट सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, है ना। आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, फुल इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी, बढ़िया पेट एकदम भरा तो हम आप बढ़िया कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब पेट में भूख है तो फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा ठीक है, भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला, है ना, वही वाली बात आ जाएगी ठीक। तो सोडियम जो है, तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो जस्ट अपने से नियरेस्ट इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करता है। क्या करता है, कोई भी एलिमेंट अपने से जस्ट पास वाली जो क्या होगी, इनर्ट गैस, मतलब अक्रिय गैस। कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन ठीक है। तो जैसे हीलियम है 2, नियॉन है 10, ऑर्गन 18 ठीक है, इस टाइप से अपना कितना हो गया 2, 8, 18 ठीक है, 18 के बाद 32 ठीक है। तो ये हो गया आपका ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन क्लियर। तो ये हो गए आपके क्या, सारी अक्रिय गैसें हो गई ठीक। तो अब जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना है 2, 8, 1 ठीक है, 2, 8, 1, इसके पास वाली गैस कौन सी है, देखो जरा अक्रिय गैस नियॉन। तो नियॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, 2, 8 ठीक है। तो ये कहेगा हमें तो केवल 2, 8 चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास नहीं होता तो हम अपने आराम से स्टेबल हो जाते ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन ये त्याग देंगे, और ये क्या करेंगे, ये बनना चाहेंगे ऑर्गन, है ना, क्योंकि 70 ईयर पास में इनके कौन है, ऑर्गन है ठीक। तो ये कहेंगे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, ये कहेंगे लो ठीक। तो इनने त्यागा, इनने लिया, तो ये बन गया Na+ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गए Cl- क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये हो गए 2, 8 स्टेबल, ये हो गए 2, 8, 8 स्टेबल ठीक। और जब इनने इलेक्ट्रॉन दिया, इनने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इनके में दोस्ती गहरी हो गई ठीक है। इनने मजबूरी में, इनने इनकी मुसीबत में साथ दिया, इनने इनकी मुसीबत में साथ दिया, तो दोस्ती हुई गहरी। जैसी दोस्ती गहरी हुई तो आयन से मिलकर बना हुआ जो बंध होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता ठीक। तो इस प्रकार के बने हुए बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक, है कि ठीक है। तो आयनिक बंध क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए बंधों को हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध। और इस प्रकार जिस प्रकार के यौगिकों में विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है उस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बात क्लियर, ये हुई इलेक्ट्रोवैलेंट की बात ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन सहसंयोजी, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह ये अपन को नहीं पढ़ना है, हमें केवल बंध के बारे में बताना था आपको थोड़ा सा ठीक है। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या है, इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन की साझे
साझेदारी, वो भी कैसी साझेदारी, परस्पर साझेदारी, ठीक है, म्यूचुअल, यस म्यूचुअल पार्टनरशिप। नहीं ठीक है, म्यूचुअल पार्टनरशिप ठीक है, एक कैसी साझेदारी, परस्पर, मतलब जैसे अपन लोग कॉलेज में जाते थे स्कूल लाइफ में, ठीक है, हम पुलाव लेके आए, ठीक है, और एक दूसरा इंसान जो है वो पराठे लेके आया या पूरी लेके आया, ठीक है, तो उसने कहा थोड़ा सा पुलाव आप हमें दे दो, हमारी पूरी आप ले लो, होता था ऐसा कि नहीं, घेरा बना के बैठ जाते थे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मांग होती थी उस इंसान की जो पुलाव लेके आया है ना, जिस जिसके पास पुलाव है उसको खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सारे दोस्त छीन लेते थे उसका, ठीक है, और कुछ ऐसे भी उद्दंडी होते थे वो खाना लेके नहीं आते थे, उन्हें दूसरा का छीन के खाने में मजा आता था, है ना, तो वो भाई स्कूल की बात ही अलग होती है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं, आप अपना इलेक्ट्रॉन हमें दो, ठीक है, आपके पास कमी हमारे पास कमी और दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करें, ठीक, बस इतनी सी बात है। तो जैसे हमने कहा ऑक्सीजन है, ठीक है, कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स होते पक्का, सिक्स ही होते, कैसे होते, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पट्टे पे खींच देंगे हम अभी, यहाँ 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, तो जब 8 होता है तो इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे, देखो ऑक्सीजन 8, पहले में जाएंगे 2, बचे कितने में जाएंगे, दूसरे में 6, ठीक, तो ये कहेंगे भाई हमें तो कौन बनना है, हमें तो नियोन बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि हमारे ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए, हम तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं, बस भगवान से इतनी विनती है कि हमारे ऑर्बिट को कंप्लीट करा दो, हम 5 रुपया को प्रसाद चढ़ाए, ठीक, ये ऑक्सीजन कहेगा हमें भी 2 की जरूरत, ये कहेगा हमें भी 2 की जरूरत, तो कहेगा आओ 2 हाथ हो जाए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक है, और जैसे ही म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो क्या बना, ओ डबल बॉन्ड, ठीक, मतलब जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कैसे, ट्रिपल बॉन्ड देख लो बनना, जैसे हमने आपसे कहा कि कौन है, नहीं कार्बन, ठीक, और एक और कार्बन, ठीक, और ये H और ये H, डिंग 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 डिंग, ठीक, अब क्या होगा, देखो होगा क्या होगा, ये कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 3, 1, 4, तो ये कार्बन कौन से स्पेशल है, इनके में भी 4 ही होंगे, इसके बाद हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में, अब देखो ये तो 1-1 मिले सो 2 हाइड्रोजन कहेंगे हम तो बन गए हीलियम, अपना काम बनता, ये कहेंगे हमारा भी काम बनता, ये कहेंगे तुम ऐसी बात नहीं करो, हमारा भी काम बनता, ठीक, ये कहेंगे तो हम कहे थे फालतू में आए थे, अपना काम, मतलब देखो सी 1-1 बॉन्ड की शेयरिंग हुई, ठीक, देखो जरा क्या हुआ, 1-1 बॉन्ड की शेयरिंग हुई, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड सी, इधर कितने की हुई, 3 की, ठीक, और इधर 1 की, ये बन गया आपका CH2CH, मतलब C2H2, एसिटिलीन, ठीक है, बन गया ट्रिपल बॉन्ड, तो जब एक बॉन्ड की शेयरिंग हो, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तुम्हारे में नहीं है, इतना ही है, इसलिए हम इतने इतना पढ़ा रहे हैं, ठीक, इसके बाद आता है उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी पता क्या होता, उपसहसंयोजी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो जल्दी से नीचे क्या होता है, यहां समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है उपसहसंयोजी बंध, मतलब संयोजी तो है, यहां पे भी आपकी पार्टनरशिप होगी, म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है, क्या होगी, म्यूचुअली सॉरी, यहाँ पे शेयरिंग होगी, म्यूचुअल पार्टनरशिप बोल सकते हो इसे, और नहीं बोलना तो शेयरिंग वर्ड वर्गिया रहेगा,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कौन सा, सहसंयोजी, ठीक है। और यहां पे भी शेयरिंग होगी, ठीक है, यहां पे भी क्या होगी, शेयरिंग तो होगी लेकिन कैसी होगी जी देख लो जरा, यहां शेयरिंग होगी लेकिन कैसी होगी, वन साइडेड शेयरिंग, ठीक। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हमें दो हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक जी। कौन सी वाली बात होगी पता नहीं जी, पता कौन सी वाली बात होगी, जहां पे अपन इंटरवल में खाना खाते थे, वो लोग जो खाना लेके नहीं आते थे, है ना, वो कहेंगे हम तुम्हारा खाना तो खाएंगे लेकिन बदले में तुम्हें नहीं देंगे कुछ, ठीक है। तो बस वही कि अरे चलो ठीक है तुम भूखे हो लो खा लो कोई दिक्कत, ठीक है, आज तुम टिफिन लेके नहीं आए कल हम नहीं ले आए, ठीक है, तुम तुम्हारा खा लो, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वन साइडेड शेयरिंग, वन साइडेड मतलब एक तरफा साझेदारी, ठीक है। तो एक तरफा साझेदारी जो बॉन्ड, जहां पे एक तरफा साझेदारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो देगा और जो लेगा उससे उसकी तरफ लगेगा। जैसे ये एक है ये बी है, ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिए तो ऐसे आएगा, अगर बी ने इलेक्ट्रॉन ए को दिए तो ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसमें तीर लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये राम भगवान, ये रावण जी, ठीक है, राम भगवान ने तीर दिया और रावण ने तीर लिया, ठीक है, तो इनके तरफ आएगा ना तीर, ठीक है। और इस तरफ इसमें क्या हो गया, ठीक है, इसमें ये राम भगवान है ये रावण है, ठीक है, तो इनने तीर मारा रावण में लगा, लगना रावण में, ठीक है, ठीक, बात क्लियर की नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मेघनाथ खड़े सपोज दैट, ठीक, ये खड़े मेघनाथ और यहाँ पे खड़े हैं राम भगवान अपने और ये खड़े हैं लक्ष्मण भैया अपने, ठीक है, इनने मारी क्या नागपास, ठीक, नागपास मारी, ये गई राम में लगी और ये गई लक्ष्मण में, ठीक है, तो ये दोनों नाग ने इन्हें क्या कर लिया, लपेट लिया, है ना। तो बस वही चीज है, तो जिसकी तरफ एरो उसमें जाके लगेगा, ठीक है। हाँ, तो बात समझ में आई, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जैसे हम आपसे कहें कि किसमें पाया जाता, तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, ठीक, इसमें पाया जाता, कैसे पाया जाता, देखो सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर से एक ऑक्सीजन जुड़ा, इधर एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के होते दो हाथ, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, कितने बचे, H2 हो गए, S हो गया, O2 हो गए, अभी दो बचे, डिंग डिंग, ये बात। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते फालतू में रखे रहते, ठीक, जैसे ऊपर चलें, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे तो इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इन्हें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जहां बॉन्ड नहीं बनता, जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब हम इन्हें एज अ लोन किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो बनेगा कैसे, देखो बिल्कुल आसान है, ये रहे सल्फर, सल्फर की लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि छठवां ग्रुप उससे टीपो है ना, बताया था छठवां ग्रुप क्या होता है आपका, उससे टीपो, पीरियोडिक टेबल में OSETPO, ठीक, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 में 2 8 6, क्लियर, 2 8 6, फिर तो हमें अभी तक सब भूल जाओ चाहिए, ठीक, बोलते हैं उम्र हो गई हमारी, समझे सब भूल गए, ठीक है। तो सल्फर भूलने के लिए थोड़ी ना सीखा जाता, तो सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, चले आगे, आगे मिले ऑक्सीजन, भाई साहब ऑक्सीजन कहेंगे हमारे में भी 6 ही है, ठीक, हमारे में भी 6 ही है, इधर कहेगा ये ऑक्सीजन की हमारे में भी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, हाइड्रोजन कहेगा भैया अपन तो सिंगल है, ठीक, अपना कोई नहीं है हमें तो भैया सिंगल, जैसे ये सिंगल रहेंगे तो देखो क्या होगा, ये तो हो गए देखो पूरे, ठीक, लो ले लो, ठीक, ये हो गए भैया पूरे, ऑक्सीजन कहेगा अपन भी, ठीक, ये हाइड्रोजन कहेगा हम भी, फिर से दिक्कत हो रही है, अरे
अरे छोड़ो यार, हाथ से बनाओ ना, ठीक। जे वक्का, जे कहेंगे हम भी फिर से पूरे, जे कहेंगे हम भी पूरे, सबका ऑर्बिट कंप्लीट, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब जी ऑक्सीजन आए, ओ दादा अब नुचे दो चाहिए, अब क्या होगा, तो अब सल्फर कहेगा भैया हमारे पास तो पूरे हैं, अगर हम तुम्हें दे दें और तुमसे ले लें, ठीक है, मतलब अगर हम तुम्हें डोनेट कर दें तो हम गरीब, ये कहेगा हम तुम्हें भी डोनेट कर दें, हमने तो कुछ नहीं बचे, अगर हम तुमसे एक ले भी लें तो भी हम दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा अमीर होना भी अच्छी बात नहीं है। जी कहेगा हम तुम्हें एक दे दे रहे भैया, नहीं ऐसा करो, क्या करो, तुम हमारे साथ बस चलो, तुम हमारे साथ बस चलो, लगना ऐसा चाहिए कि तुम पूरे हो, ठीक है, केवल ऐसा लगेगा कि तुम पूरे हो लेकिन तुम दरअसल में पूरे नहीं हो। हाँ, ये कहेगा तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, लोन की तरह रख लो अपने पास, ठीक है, लेकिन है वो हमारी, ठीक है। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, यहां पे आपका जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड जो बना, ठीक, ये बॉन्ड जो बना, ये है क्वार्टर बॉन्ड। अब जैसे इस पे कोई अटैक करेगा, ठीक है, जैसे इस पे कोई अटैक करेगा हल्के से इलेक्ट्रॉन लेके, थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन के पास लेके अटैक किया, ठीक है, जैसे इस पे अटैक होगा सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, क्यों, सबसे कमजोर बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड होता है, सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, क्यों होता है सबसे कमजोर, क्योंकि ये कैसी साझेदारी है, ये लोन है, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर दिया तो लोन वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना, ठीक है, कर्जदार हैं ये, ठीक है, ये कहाँ है, जे है सेठ साहब एस फॉर सेठ, और जे है कर्जदार, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जी बिल्कुल जीरो है अभी, जैसे ही इस पर हल्का सा प्रेशर मारेंगे ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके तीन बॉन्ड, पड़ गया ठीक है। तो इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली कि इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता, कोवेलेंट क्या होता, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो परस्पर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आयन से मिलकर बना होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आयन से बना हुआ बंद पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे को एकदम अट्रैक्ट करके रखते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक। तो उससे कम कौन होता है आपका, ठीक है, सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध आपके तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड जो होता है इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा पाया जाता है, दो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हमसे जे पूछ लो तुम, सर सिग्मा बॉन्ड का होता, पाई बॉन्ड का होता, तो हम यहाँ पहुंचेंगे, फिर कहना सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता, तो हम फिर बॉन्डी बॉन्ड में घुसते चले जाएंगे। सो इतना सीख लो बस, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। अब क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया था, एक बार ग्रुप पे आया था, सर जी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कमजोर कौन है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सबसे कमजोर बॉन्ड कौन होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्यों होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे बमबारी करें किसी चीज की, ठीक है, जैसे अपन केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ चुके, ठीक है, सपोज दैट कि अपन एक सिंपल सी रिएक्शन ले लें कि अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन साइनाइड ले लें, या फिर अपन बोल दें कि एक नाइट्राइल है, ठीक है, कैसा नाइट्राइल है, मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है, और इस पे अपन सिंपल सी क्या कर दें, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसकी रिएक्शन करा दें, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दें, तो बहुत सिंपल हो जाए, क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा यहाँ से टूटता है आर एम जी बॉन्ड से, ठीक है, तो इस पे आ जाता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब जैसे ये देखेगा कि भैया यहाँ न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होगा, क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड जल्दी टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि वो कहेगा भैया हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। जैसे ये टूटा, जैसे ये टूटा, तो इस पे आ जाएगा आपका कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गए, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन जाते वो नेगेटिव हो जाते, और इनके पास आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब
पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो निगेटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव पे जाएगा, और पॉजिटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव पे आएगा। सो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड आपका ये बन जाएगा एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स, और यहां चिपक जाएगा सी एच टू। ठीक, जैसे ये हुआ इसका अपन क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस एच टू। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो हाइड्रोलिसिस होती है उसमें जो एच टू ओ होता है वो कैसे टूटता है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव, अब यहां पे देखो ये क्या है आपका, ये फिर से एम जी एक्स बना के बना दिए गए, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव वाला जाएगा किस पे, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाला आएगा किस पे, नेगेटिव पे। जैसे ये हुआ तो फिर क्या बनेगा, देखो तो बनेगा एच बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन और एच प्लस एम जी जो है वो ओ एच को लेके क्या भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा। ये वो नहीं है लेकिन, ठीक, ये एल्डिहाइड में है, ये एल्डिहाइड में है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो इसका फिर से हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर एच आयन और ओ एच आयन, तो एच आयन ओ एच आयन जैसे ही टूटेंगे, टूटेंगे एच आयन ओ एच आयन फिर टूटेंगे तो डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं टूटा डबल बॉन्ड टूटा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका सिंगल से थोड़ा वीक होता है। ठीक है, इनको जैसे ही तो इनने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये आ जाएंगे नेगेटिव, इनने इलेक्ट्रॉन दिए तो इनको आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा आपका एच बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ऊपर चला जाएगा ओ एच, इधर चला जाएगा एन एच टू। ठीक, फिर जो एन एच टू ग्रुप होता है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन ये कहता है भाई हम अपना अलग से देखेंगे। ठीक है, छोड़ के भागने वाला ग्रुप होता है ये, जैसे ये छोड़ के भागेंगे कार्बन कहेंगे ओ भैया कितने, क्यों, हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो तो ये कहेगा हाइड्रोजन ऐसा करो तो हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो और हम H प्लस बन के इनके पास चले जा रहे हैं। ठीक, तो एन एच थ्री आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, एन एच थ्री मतलब अमोनिया निकल गई, बदबू फैल गई। ठीक है, हो गई अमोनिया निकली, यहां से हाइड्रोजन निकला ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, यहां से एन एच थ्री निकला कार्बन का बॉन्ड खाली, क्या होगा देखो, हाइड्रोजन पे सी सिंगल बॉन्ड ओ, ओ का बॉन्ड खाली, ये खाली, यहाँ सी एस थ्री, देखो कार्बन का भी बॉन्ड खाली ऑक्सीजन का भी बॉन्ड खाली, ये कहेगा जब तुम्हारा बॉन्ड खाली हमारा बॉन्ड खाली, आओ बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो सी एस थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री बन गया एसीटोन। तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से कमजोर कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। ठीक है, तो ये तो ही फालतू की बात, फालतू की नहीं, नहीं ये सब है नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तक है। ठीक है, हाँ, इसके बाद अब आते हैं अपन किस पे, कि जो भी आपका परमाणु होता है, ठीक है, उसकी संरचना तीन प्रकार की होती है। ठीक है, परमाणु संरचना जो होती है वो कितने प्रकार की परमाणु संरचना होती है, तीन प्रकार की परमाणु संरचना होती है। ठीक, तो जो हमारा मेटल होता है उसकी जो संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कौन सी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरी होती है कौन सा, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं, जैसे NaCl नमक की बात कर लें अपन सीधे। ठीक है, अगर हम नमक की बात करें, नमक को अगर हम तोड़ें तो क्या नमक बिल्कुल सीधा टूटेगा, कभी नहीं टूटता नमक बिल्कुल सीधा। ठीक है, अगर उसको हम तोड़ें तो वो कहीं ना कहीं से क्रैक होकर टूटता, ठीक है, zigzag मोशन में टूटता, zigzag में टूटता है, जैसे ये नमक का एक पार्टिकल है हमने तोड़ा तो ये ऐसे कुछ टूटता, ठीक, कभी नमक ऐसे नहीं टूटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, तो वो सारी चीजें जो क्रिस्टल से मिलकर बनी होती है, जैसे डायमंड हुआ, है ना, क्या होगा, डायमंड हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ रहता, पता नहीं भैया, देखा नहीं कभी हमने, हम तो भूल ही गए कि डायमंड होता कैसा है, देखा ही नहीं कभी यार, बड़े बड़े लोग बड्डी बड्डी बातें हैं, अपन तो छोटे लोग हैं। ठीक है, मध्यम परिवार के लोग हम लोग डायमंड कहाँ खरीद सकते हैं, ठीक है, डायमंड खरीदें, ऐसे अच्छा एक प्लॉट ना लेके डालें,
नहीं हमें नहीं चाहिए ना। हाँ तो कुल मिला के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो क्रिस्टल से मिलके बना होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल से मिलके नहीं बना होता वो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, यूनिट सेल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, यूनिट सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलोग्राफी क्या कहलाती है, तो क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपन किसकी बात पे, क्रिस्टल की बात के। ये सारी बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि क्रिस्टल क्या होता है, कैसे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, वीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, यहां तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो यहां जहां तक हम पढ़ा चुके थे उसका टॉपिक एक बार और हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन को क्या सीखना था, एससीपी सीखना था, क्या सीखना था, एचसीपी। ठीक, सो व्हाट इज एससीपी, एससीपी मतलब होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, क्लियर ना, ओके। अपन क्या क्या सीख चुके थे, हम लोग सीख चुके थे एफसीसी क्या होता है, ठीक है, और बीसीसी क्या होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर सीख लिया था अपन ने और फेस सेंटर सीख लिया था, और उनमें कितने कितने एटम होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालना, ये सारी चीज हम सीख चुके थे। अब जो अपन को सीखना है वो क्या सीखना है, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल जी आ गया, देखो आया तो बहुत कुछ है, जो अच्छा वाला है वो देखो जी। ठीक है, और पता नहीं यार, हम कभी गए नहीं, हमने तो झांसी देखी बहुत अच्छे से, हमारे झांसी में आइए आपको बहुत बहुत सारी चीजें दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, देखो एससीपी भी देखो दिखा रहे हैं अभी तो आपको, ठीक है, ऐसे हम सब कुछ दिखेंगे आपको। ठीक है, कैमरामैन से हम कहेंगे भैया थोड़ी सी डीवी कम कर दो, बच्चों के शायद दिख नहीं रहा होगा, सफ़ेद है इस वजह से। ठीक है, और अगर दिख रहा है तो भैया अच्छी बात है, देख लो। दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए हम जरा एक बार देखते हैं कहाँ से कर रहे हैं। चलो भैया चलो ये वाला दिख रहा है ऐसे, ठीक, चलो इसी से काम चला। चलो देखो क्या होता है इसमें, हेक्सागोनल शेप आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो बनता कैसा है ये शेप, जरा ये भी देख लो। ठीक है, नहीं तो कहेंगे सर जी ने ऐसे बता दिया बस, वो बना के बताया नहीं। ठीक, तो देखो ये ऐसे बनता है, ठीक, इसके बाद कि अपन इसमें लाइन दूसरी, ठीक है,
नहीं जी कहता हूँ हाँ यार बहुत से मुकुल तुम्हें बनाने बनाती नहीं डायग्राम बना लो ठीक हाँ कुछ देखा अच्छा लगा नहीं रहने दो ठीक है ठीक है ठीक कुल मिला के इस टाइप का आपका क्या बनता है ये हेक्सागोनल शेप बनता है देखो कितना प्यारा दिख रहा है अपन का ठीक है ये हेक्सागोनल शेप है इसमें देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी देखो इसमें साथ में देखते जाना देखो यहाँ पे आपका क्या है एक एटम है ठीक है हर एक क्या बोलते हैं हर एक वर्टेक्स पे क्या होता है एक एक एटम होता है किस पे हर एक वर्टेक्स पे मतलब हर एक जो आपका सिरा होता है हर एक सिरा जो होता है हर एक शीर्ष जो होता है उस पे एक एक एटम होता है सेम नीचे होगा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 एटम यहाँ पे हो गए टोटल 6 एटम आपके ऊपर हो गए कितने हो गए 6 ठीक है अब इसमें देखो ये यहाँ पे जो आपका फेस है ऊपर वाला ठीक है इस फेस पे आके ये सारे जो मिलेंगे तो यहाँ पे भी आपका ये क्या होगा ठीक सेम यहाँ पे भी ठीक एक एटम आपका ठीक तो टोटल देखो कितने हो गए 6 6 12 1 13 और 1 14 देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें भी 14 अब देखो क्या इससे हल्का सा ऊपर चले यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ठीक और ये जाएगा किसके पास नहीं तीन होते हैं ना इसमें हाँ तीन ट्राइगोनल शेप बनता है इसके पास इसके पास ठीक है क्लियर कहीं ना कहीं तो बैठना ही ठीक तो टोटल इस पे भी कितने हो गए देखो यहाँ पे और अगर इसमें नहीं आ रहा हो समझ में तो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो ये ठीक है 2 और ये 3 ठीक है तो 3 आपके बीच में होते हैं तो हो गए 14 और 3 टोटल 17 तो हेक्सागोनल जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है देखो जो आपका ऊपर वाला शेप है ठीक है वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा देखो यहाँ पे 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम 6 एटम और बीच में आपका एक सेंट्रल एटम ठीक और सेम नीचे वाला जो शेप है आपका वो कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है 1 2 3 4 5 और बीच में ओ 1 2 3 3 6 और 1 बीच में 7 और ये जो बीच वाला है बी ठीक है ये आपको कैसा दिखेगा इस टाइप से 3 एटम आपके ट्राइगोनल शेप में लगे होंगे ठीक तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा देखो यहाँ पे है ना कुछ इस प्रकार से नहीं बनेगा ये देखो है ना तो ये कैसा शेप बना देखो यहाँ पे हेक्सागोनल शेप ही है कि नहीं है ना तो हेक्सागोनल शेप जो होता है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ओह सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम नंबर ऑफ एटम जो हैं ठीक है नंबर ऑफ एटम इसमें टोटल कितने पाए जाते हैं आपके 70 नंबर ऑफ एटम इसमें पाए जाते हैं इसमें HCP में ठीक है HCP में नंबर ऑफ एटम कितने पाए जाते हैं 17 एटम इसमें पाए जाते हैं बात क्लियर हुई कि नहीं ठीक ये था आपका HCP कैसे बनता है बनाना एक डायग्राम दिखाना नंबर ऑफ एटम बताना ये आपका HCP है ठीक है तो HCP FCC BCC ये पूरा टॉपिक आपका हो गया क्या क्लियर इसके बाद अपन को जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या होते हैं ठीक है डिफॉर्मेशन ठीक है डिफॉर्मेशन क्या होते हैं एक जो भी आपका मैटर है उसमें क्या क्या डिफॉर्मेशन आ सकते हैं और उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं उसके बाद फ्रैक्चर्स सीखेंगे हम ठीक है फटीक क्रीप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अभी अपन ने केवल डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले वाली क्लास में ठीक है कि फटीक क्या होता है क्रीप क्या होता है ठीक है ओवर कंटिन्यू अपन के क्या बोलते हैं साइक्लिक अगर हम क्या डालें उस पर
प्रेशर डालते हैं, ठीक है, साइक्लिक प्रेशर डालते हैं तो वो क्या बनता है, तो फटीग की वजह से वो ब्रेक हो जाता है, और जब अपन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको, है ना, हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसकी वजह से जो क्रीप आता, वो फ्रैक्चर आता है, वो क्रीप कहलाता है। ठीक, अब इसके बारे में अपन को डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टलोग्राफी का अगला टॉपिक डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर्स, ठीक है, और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा सेकंड वाला खत्म, ठीक। और उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वहां से आपकी स्टार्ट होगी मेटलर्जी, ठीक है, क्या स्टार्ट होगी मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब धातु कर्म क्या है, फेरस मटेरियल क्या होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके क्या क्या अलॉय हैं, ठीक है, और अलॉय से हम मेटल कैसे प्राप्त करते हैं, मेटलर्जी पूरा अपन को धातु कर्म उसमें पढ़ना है, भट्टी अट्टी सब, ठीक है, ढलवा लोहा पिटवा लोहा, स्टील को बनाना, स्टेनलेस स्टील को बनाना, कॉपर क्या होता है, कॉपर कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें अपन को इसमें पढ़नी है मेटलर्जी में, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफी आपका अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्या, मेटलर्जी, ठीक है। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।